तो हेलो दोस्तों, बोले कैसे हो। तो दोस्तों, आज जो है हम एक देश के बारे में जानेंगे। वो देश जो है यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है फ्रांस। तो दोस्तों चलिए इस देश के बारे में हम सब कुछ एक एक करके डिटेल्स के साथ कहते हैं, लेकिन उससे पहले इस देश की जो राष्ट्रीय झंडा वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए इस देश की राष्ट्रीय झंडा मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। तो दोस्तों देश कहाँ पर है, इंडिया से कितने दूर है, इंडिया के साथ रिश्ता कैसा है, क्या क्या व्यापार होता है, और मैं आपको बताऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा गूगल मैप की मदद से देश जो है दुनिया के अंदर कौन से हिस्से में मौजूद है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया के अंदर सातवां सबसे जीडीपी वाला देश जो है ये देश, देश का नाम जो है फ्रांस। और हर समय जो है यूएन में भारत को ही सपोर्ट किया है, देश का नाम जो है फ्रांस। हाँ दोस्तों, और तृतीय सबसे बड़ा देश यूरोप का ये जो है फ्रांस। तो दोस्तों चलिए हम एक ही करके सब कुछ डिटेल्स के साथ कहते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज दोस्तों इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बिल्कुल ऑल सेलेक्ट करना, कुछ वगैरह कमेंट में कह सकते हो। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं फ्रांस के बारे में, जो दुनिया के अंदर 42 नंबर सबसे बड़ा देश जो है फ्रांस, जिसका आयतन और एरिया अगर हम बताएं तो दोस्तों 643.801 वर्ग किलोमीटर है, जिसका जो है टोटल आयतन या एरिया है। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं वो कहां पर है, जो यूरोप महादेश की एक स्वाधीन देश, देश का नाम जो है फ्रांस। तो दोस्तों जितने बताए उतने कम होगा, लेकिन मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करूंगा जो मेन बेसिक पॉइंट है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए वो देश की जो है कहाँ कहाँ नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। हालांकि ये बहुत ही कम दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे भी इस देश के अंदर नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है। तो दोस्तों चलिए इस देश की जो राजधानी पेरिस वहाँ पर हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ इस देश के उत्तर पूर्व में जो है बेल्जियम, लुक्सम्बर्ग, पूर्व में जो है जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली या इटली, दक्षिण पश्चिम में जो है एंडोरा, स्पेन, और दक्षिण में जो है भूमध्य सागर, मोनाको, और उत्तर पूर्व में जो है इंग्लिश चैनल, और पश्चिम में जो है बड़ा अटलांटिक महासागर। यहाँ पर देख लीजिए पेरिस में आपको दिखाने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों इस देश की राजधानी पेरिस, हाँ दोस्तों सबसे बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों पेरिस के अंदर कहाँ पर इंडिया की दूतावास मौजूद है, मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा गूगल मैप की मदद से फुल एचडी। और पेरिस अगर आप गए हो तो दोस्तों आपने आईफेल टावर आपने देखे ही होंगे, इसलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ गूगल मैप की मदद से फुल एचडी। और स्क्रीन पर आईफेल टावर जो है गूगल मैप की मदद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जो पेरिस में मौजूद है। राजधानी पेरिस फ्रांस की, बड़ा शहर और सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों इंडियन एम्बेसी कहाँ पर है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताती हूँ इंडियन एम्बेसी कौन सी जगह पर स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर। तो दोस्तों चलिए हम दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, हाँ दोस्तों पश्चिमी फ्रांस जो है ये देश स्वाधीन हुआ है 10 अगस्त 1843 में, और इस देश की जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो और प्राइम मिनिस्टर जो है एलिजाबेथ बोर्नी। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर जो है इंडियन एम्बेसी मौजूद है। यहाँ पर देख लीजिए लोकेशन भी आपको नज़र में आ जाएंगे, यहाँ पर जो है आपको नज़र में आ जाएंगे यहाँ पर इंडियन एम्बेसी मौजूद है। हाँ दोस्तों भारत दूतावास जो है इस जगह पर मौजूद है, मैं आपको ये दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों इंडियन दूतावास जो है इस जगह पर मौजूद है, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यूरोप के अंदर जो है 3 नंबर सबसे जीडीपी वाला देश जो है ये देश आ रहा है यूरोप के अंदर। हाँ दोस्तों यूरोप के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा, हाँ दोस्तों ये देश की बिल्कुल, सॉरी दोस्तों जो एम्बेसी है इस एम्बेसी के बिल्कुल साइड में आपको नज़र आ जाएंगे, थाईलैंड की जो है यहाँ पर एम्बेसी आपको नज़र में आ जाएंगे। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश में जो है पुराना संस्कृति और पुराना जो है उपनिवेश यहाँ पर जो है टिक के रखा है, क्योंकि ये देश जो है बहुत पुराना शार्य सभ्यता को जो है ये देश हर तरह से जो है महसूस करता है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों यूरोप के अंदर रशिया और यूक्रेन के बाद जो है यूरोप के अंदर तृतीय सबसे बड़ा देश जो है फ्रांस है। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो दोस्तों यूरोप के अंदर चौथा सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला देश जो है वो फ्रांस है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके सारी जगह यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश का नाम फ्रांस, लेकिन ये देश का विदेशी ऐसा 10 जगह है जो ये देश की है, जो पहले ये देश की वो सारे जगह जो है कहाँ पे आ रहा था, है ना। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देश जो है यू का एक बड़ा प्रधान सदस्य है और यूएन का जो है स्थायी सदस्य है, जिसके पास जो है वीटो पावर है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ ये देश के
पेरिस में जो राजधानी जो है पेरिस, इसके अंदर स्थित है नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ है, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा फ्रांस के नागरिक जो है बिना वीजा के 125 से ज्यादा देश में जा सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट की जो पावर अगर हम देखें तो दोस्तों दुनिया के अंदर जो है 3 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों यूरोप महादेश के अंदर बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जो है फ्रांस के जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, क्योंकि बड़े बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जो है फ्रांस की जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये भी आ रहा है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था फ्रांस के जो बहुत बड़े बड़े बहुत छोटे छोटे ऐसा नेशनल कुछ ऐसा जगह है जो जगह फ्रांस की है जो विदेश में है। तो दोस्तों वो जगह कौन कौन सा है, दक्षिण अमेरिका की जो है फ्रांस का है ना, कैरिबियन सागर की जो है मार्टिनिक ग्वादेलूप, और अफ्रीका की जो है मायोत। तो दोस्तों इंडिया और फ्रांस के साथ जो है रिश्ता बहुत पुराना है और दोस्ती वाला रिश्ता है। एक समय जो है एक वैज्ञानिक जो फ्रांस के एक वैज्ञानिक उन्होंने बताया था 2019 में जो है फ्रांस का सबसे भरोसेमंद दोस्त जो है वो इंडिया है। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एक समय आपको पता ही होगा इंडिया की जो पुदुचेरी, हाँ दोस्तों वो जो है फ्रांस के हिस्सा था, लेकिन 1954 तक जो है वो फ्रांस के हिस्सा रहा है। तो दोस्तों न्यूक्लियर के क्षेत्र में जो है इंडिया को जो है बहुत बड़ा सपोर्ट किया है फ्रांस, और यूएन में जो है हर संभव मदद करता है जो फ्रांस, और फ्रांस जो है हर समय इंडिया के पक्ष में जो है मतदान करता है यूएन में। हाँ दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आपको बताया 2008 में इंडिया की जो रिपब्लिक डे के अंदर जो है एक चीज कह सकते एक इवेंट हुआ था, उस इवेंट में जो चीफ गेस्ट था फ्रांस के राष्ट्रपति ओज है 2008 में। हाँ दोस्तों देख लीजिए, मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश करी हुई देश के नेशनल और इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये देख लीजिए सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा हाँ दोस्तों, तो दोस्तों दोनों देश के बीच जो है हथियार की बहुत डील होता है। फ्रांस से जो है 36 राफाल जो है भारत आया है। हाँ दोस्तों आपको पता ही होगा जो भारत में हर समय एक्टिव है। तो दोस्तों इंडिया की जो है स्पेस एजेंसी इसरो और फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी फ्रांस नेशनल स्पेस एजेंसी, ये दो जो कह सकते हो एजेंसी मिलकर जो है कह सकते हो बहुत सारा प्रोजेक्ट पे जो है काम कर रहा है और काम कर भी लिया है। तो दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ फ्रांस की जो है एक बड़ा द्वीप जो फ्रांस के बहुत करीब मौजूद है, मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो दोस्तों हाँ, 14 अप्रैल 2010 से 20 जून 2011 तक जो है नमस्ते फ्रांस ये जो है शुरू किया गया था, जो बहुत ही पॉपुलर था। हाँ दोस्तों बहुत ही पॉपुलर था, और यूएन में जो है भारत की जो है स्थायी सदस्य के लिए जो है ये जो फ्रांस हर समय जो है इंडिया को सपोर्ट करता है। हाँ दोस्तों इंडिया को जो है सपोर्ट करता है। तो दोस्तों इंडिया और फ्रांस जो है बहुत सारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्था की जो है मेंबर है, जैसे कि G20, UNO और भी बहुत ज़्यादा जगह पर। तो दोस्तों फ्रांस की जो है नेशनल एंथम पॉपुलेशन और इंडियन कितने रहते हैं हम देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए नेशनल एंथम मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा वो जो है फ्रांस के नेशनल एंथम। तो दोस्तों फ्रांस की जो आदर्श वाक्य वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, और फ्रांस की जो है ऑफिशियल नेम वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। फ्रांस की जो है राजधानी और सबसे बड़ा शहर पेरिस वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी, ऑफिशियल लैंग्वेज देख लीजिए फ्रांस। हाँ दोस्तों दुनिया के अंदर बहुत सारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रांस भी है। तो दोस्तों जो जो देश फ्रांस से स्वाधीन हुआ है ये देख लीजिए, रिलीजन में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों को नजर में आ जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर एलिजाबेथ बोर्नी। तो दोस्तों वाटर की बात करते 0.86% वाटर है, टोटल जीडीपी की बात करते 3.013 ट्रिलियन दुनिया के अंदर 7 नंबर पे आ रहा है। तो दोस्तों कॉलिकोट देख लीजिए प्लस 3.3 और पॉपुलेशन देख लीजिए 7 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, और यहाँ पर इंडियन पॉपुलेशन देख लीजिए 150,000 यहाँ पर इंडियन रहता है। हाँ दोस्तों फ्रांस में जो है 150,000 से ज़्यादा इंडियन यहाँ पर रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए मैं आपको एक एक करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ दुनिया के अंदर जो है ये देश कहाँ पर, मैं आपको ग्लोबल मैप दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, और इंडिया और फ्रांस कहाँ पर है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा हाँ दोस्तों इंडिया और फ्रांस कहाँ पर है, तो दोस्तों पेरिस की जो प्रतीक चिन्ह है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। दोनों देश की जो है व्यापार धीरे धीरे करके जो है बढ़ रहा है, ये देख लीजिए वो देश के प्राइम मिनिस्टर की इमेज में आपको दिखा रही हूँ, और ये देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। हाँ दोस्तों आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा, मैं आपको एक एक करके सब कुछ इस देश की हर चीज़ यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी हूँ, इस देश की पैसा दिखाने की कोशिश करी हूँ। तो दोस्तों
दोनों देश के व्यापार के क्षेत्र में जो है कह सकते हो बहुत आगे निकल चुके होंगे। हाँ दोस्तों, क्योंकि ऐसा व्यापार होता है जो आप पूछे ही मत। तो दोस्तों ये देख लीजिए, दुनिया के अंदर कौन कौन से देश में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रांस है जो ऑफिशियली, और कौन कौन से देश में फ्रांस की जो है यहाँ पर भाषा यूज किया जाता है। ये देख लीजिए, राफेल मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ये देश की जो है बहुत ही महत्वपूर्ण एक जो है आप देख सकते हो सेना के पावर। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, टैंक मैं आपको दिखा रही हूँ और ये देश की नेवी दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चल जाएगा। देखा, हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एग्रीकल्चर लेकर जो है इंडिया के साथ जो कह सकते हो एक यहाँ पर जो एग्रीमेंट हुआ है, देख लीजिए न्यूक्लियर जो साइड में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। और फ्रांस के अंदर, हाँ दोस्तों, फ्रांस के अंदर कौन कौन से जगह पर जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, जहाँ जहाँ डीप रेड आपको नजर आ जाएंगे उस जगह पर जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मौजूद है। आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, ग्राफ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, पेरिस में सबसे ज़्यादा, ये देख लीजिए पेरिस शहर में आपको दिखा रही हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। देखा, हाँ दोस्तों, आप ध्यान से देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। ये देश की बड़ी बड़ी इमारत और सरकारी इमारत में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, आप जब ध्यान से देखेंगे आपको पता चलेगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इस देश के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों, उसके इमेज में आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ, क्योंकि दोस्ती का मिसाल जो है बहुत बड़ा है। हाँ दोस्तों, दोस्ती का मिसाल जो है बहुत बड़ा है। दोस्तों ये देख लीजिए, हमारी जो नौसेना और फ्रांस की जो नौसेना, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। इसके अलावा हमारी जो वायुसेना और इस देश की जो वायुसेना, एक साथ जो साझा युद्धाभ्यास हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। देखा, हाँ दोस्तों, और ये जो है बहुत ही पॉपुलर है, क्योंकि ये जो है पेरिस में है, इंडियन दूतावास के बाहर से ये इमेज को खींचा गया है ना। तो दोस्तों ये आप देख रही हो फ्रांस, और फ्रांस की जो है कौन कौन से देश के साथ रिश्ता अच्छा रखा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करी हूँ। अगर हम अच्छे से देखें तो दोस्तों आपको पता चलेगा, यहाँ पर जो है सऊदी अरब अमीरात आपको नजर में आ जाएंगे, जो उसके साथ रिश्ता उतने अच्छे नहीं है। यहाँ पर जो है फिलिस्तीन, यहाँ पर जो है भूटान, यहाँ पर जो है ताइवान, और यहाँ पर जो है आपको नॉर्थ कोरिया आपको नजर में आ जाएंगे, है ना। तो दोस्तों मैंने आपको बता दिया यूरोप महादेश के एक स्वाधीन देश का नाम जो है फ्रांस, और भी देश के संपर्क अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ इस चैनल में पहले बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पर क्लिक करना, कुछ भी कमेंट में कह सकते हो।